हे गाइस, वेलकम बैक टू इंसिका हेल्दी फूड रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी आइस गोला। यहाँ पर मैं आइस गोला तरबूज से बना रही हूँ, तो मैं इसे तरबूज को पहले कट करके ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। आप चाहो तो किसी कपड़े में भी इसका जूस निकाल सकते हो, बीज नहीं आनी चाहिए उसमें, बस जूस से ही हमें आइस गोला बनाना है। इसमें मैं चीनी डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरा ये इसका पेस्ट बनकर रेडी है। अब मैं इसे छान लूँगी। छानने के बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा पल्प है वो निकल जाएगा और जूस जूस बच जाएगा इसमें। तो उसी जूस से मैं आइस गोला रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे अच्छी तरीके से छान लूँगी और बाकी जो पल्प है इसे मैं अलग हटा दूँगी। तो यहाँ पर मैं आइस गोला कप में रेडी कर रही हूँ। आप चाहो तो आपके पास आइसक्रीम के कप्स हों तो आप उनमें भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं यहाँ कप में ही आपको पहले बना के दिखा रही हूँ। घर पर ही बनाना है, घर पर ही खाना है, तो आप किसी भी तरीके से इसे बना सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पर सिल्वर पेपर लिया है, सिल्वर पेपर से इसे कवर कर दिया और बीच में इसमें से चाकू की हेल्प से थोड़ा सा कट कर दिया है। अब इसमें मैं, तो आपके पास अगर आइस स्टिक हैं तो आप आइस स्टिक भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं नॉर्मल स्टिक है मेरे पास, मैं उसी पर सिल्वर पेपर लगा करके रेडी कर ली हैं। अब मैंने ये सिल्वर पेपर इसलिए लगाया है जिससे कि ये स्टिक रुकी रहें, ये साइड में नहीं गिरें, क्योंकि वाटरमेलन का पानी के लिक्विड है ये, तो इसमें गिरने का डर रहेगा। इसलिए मैंने सिल्वर पेपर की लगाकर इन्हें यहीं पर रोक दिया है। तो सिल्वर पेपर से आसानी से बीच में ही रुक जाएंगी। अब मैंने फ्रीजर में 8 घंटे के लिए रख दूँगी। सारी आइस स्टिक को लगा करके मैं ऐसे ही इसमें छोड़ दूँगी। घर पर ही तो खानी है, तो आप किसी भी तरीके से, अगर आइस स्टिक नहीं भी हैं तो आप वैसे भी यूज कर। अब मैंने 8 घंटे बाद फ्रीजर में से इन्हें निकाला है। तो देखिए मेरी यहाँ पर आइस गोला बन करके रेडी है। आप चाहो तो कोई कांच के गिलास पतले टाइप के होते हैं, आप उसमें भी इसे ट्रांसफ़र करके फ्रीजर में रख सकते हो। यहाँ पर मैंने छोटे कप का यूज किया है, तो आप जिस तरीके से भी खाओ उस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं इन्हें पानी में रख दूँगी। पानी में रखने से ही आसानी से निकल जाएंगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने ये निकाल लिया है, मेरा आइस गोला बन करके रेडी है। इसे आप ब्लैक साल्ट के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।